आप लोगों ने कमेंट्स में बहुत बार मुझसे पूछा कि सीपीटी क्या होता है और उसकी तैयारी कैसे करें, तो आज मैं आप लोगों को वही बताने आया हूँ कि सीपीटी होता क्या है, उसकी तैयारी कहाँ से करनी है, फ्री में आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हो बिना कोई पैसा भरे, फ्री में आपको बढ़िया से बढ़िया सीपीटी की कोचिंग कैसे मिलने वाली है। कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा आपको, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सीपीटी का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जैसे सीपीटी है ऐसे ही एक डेस्ट होता है, और जो सीपीटी होता है वो डेस्ट का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, यानी कि डेस्ट में सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पूछी जाती है, सीपीटी में टाइपिंग तो पूछी ही जाती है, टाइपिंग के साथ साथ दो चीज़ें एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं। अब वो दो चीज़ें एक्स्ट्रा क्या पूछी जाती हैं, एक तो होती है एक्सेल और एक होती है पावर पॉइंट, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा सारा। अब देखो जैसे रिजल्ट आता है, जैसे कि अभी हाल ही में सीजीएल 2019 का रिजल्ट आया, तो एक लिस्ट 4 बनी है, एक लिस्ट 3 बनी है। लिस्ट 4 वाले डेस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि वो सिर्फ टाइपिंग टेस्ट देंगे, और लिस्ट 3 वाले सीपीटी के लिए एलिजिबल है, यानी कि वो डेस्ट टाइपिंग टेस्ट तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ पीपीटी और एक्सेल भी देंगे। अब देखो क्या होता है, सबसे पहला डाउट तो ये होता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि जो एक्सेल और जो पावर पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, 2007 का आएगा, 2011 का आएगा, कौन सा आएगा। तो भाई देखो ऐसा कहीं पर भी कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा आएगा, आप किसी पर भी प्रैक्टिस कर लेना, चाहे 2007 पर कर लेना, जनरली 2007 पर ही करते हैं लोग प्रैक्टिस, मैंने भी उसी पर करा था, उसमें और जो लेटेस्ट वर्जन होगा बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं आती, अगर आपने किसी भी एक और प्रैक्टिस करी है तो आप किसी भी वर्जन में कर पाओगे। अब देखो होता क्या है सीपीटी में, सबसे पहले ही बताऊंगा फिर बताऊंगा कि फ्री में कैसे पढ़ोगे। सीपीटी में जो तीन चीज़ें बताई हैं, सबसे पहले होगी आपकी टाइपिंग, जो आपकी टाइपिंग होगी वो 15 मिनट की होगी, और आपको 15 मिनट में 2000 वर्ड टाइप करने होंगे, यानी कि 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए आपकी अप्रॉक्सीमेटली। और जो एरर है, देखो ये टाइपिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 10 से 15 दिन की टाइपिंग में इस अपनी स्पीड को अचीव कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि आपका जो एरर है, एरर मैक्सिमम 5% होना चाहिए यूआर के लिए, यानी कि अनरिजर्व लोगों के लिए मैक्सिमम 5% एरर अलाउड होता है। अब टाइपिंग करनी कैसे है, देखो बहुत से लोग होंगे जिनके पास लैपटॉप होंगे, कुछ के पास कंप्यूटर होंगे, और कुछ के पास कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी नहीं होगा, तो उसके लिए आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ जान लो कि टाइपिंग आपको करनी है कीबोर्ड पर, क्योंकि जो एक्चुअल एग्जाम होगा वहाँ पर कीबोर्ड दिया जाता है। अब कीबोर्ड कौन सा दिया जाता है, जनरली 3 कंपनी के कीबोर्ड होते हैं, डेल का, एचपी का और टीवीएस का। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इन्हीं का मिलेगा, लेकिन जितना मैंने देखा है और ऑब्जर्व किया है यही 3 कंपनीज के आपको मिलेंगे। तो आप लोग नेट पर सर्च कर लेना, तीनों कंपनी में से जो भी आपको सबसे सस्ता मिल रहा हो वो वाला कीबोर्ड आप ले लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। उससे आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। जिन लोगों के पास कंप्यूटर लैपटॉप है बहुत अच्छी बात है, वहां से कनेक्ट करके कर लेना, जिनके पास वो नहीं है भाई कोई दिक्कत नहीं है, फोन से भी कनेक्ट हो जाता है, एक कनेक्टर आता है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप अपने कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हो, और बिल्कुल जैसे कंप्यूटर में टाइप करते हो वैसे ही कर सकते हो। और टाइप करना कहाँ है, टाइप करने के लिए गूगल पे कब कुछ भी लिख देना कि ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड टेस्ट करके, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहां पे आप कर सकते हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हर मिनट की होती है उसमें, तो मैं तो 15 मिनट की करता था क्योंकि एक्चुअल एग्जाम 15 मिनट का होता है, तो वहां से आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं एक्सेल पर और पावर पॉइंट पर। देखो एक्सेल और पावर पॉइंट जो वैसे तो बहुत वास्ट चीज है, अपने आप में एक अलग चीज है, लेकिन जो हमारे लिए जो सीजीएल में पूछा जाता है बिल्कुल ही बेसिक पूछा जाता है, कोई एडवांस लेवल नहीं आता, बहुत बेसिक लेवल आता है। तो उसके लिए अगर आप फ्री में पढ़ना चाहो, फ्री में आप YouTube पर पढ़ सकते हो, YouTube पे सर्च करना, आप चाहे सीपीटी लिख देना सीजीएल का, या आप एक्सेल के बारे में लिख देना और पीपीटी के बारे में लिख देना, इजीली सर्च हो जाएगा, आपको सारे फॉर्मूला वगैरह सब कुछ पता चल जाएंगे, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, जनरली 2-3 अच्छे चैनल्स हैं, मैं उनका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। एक तो माय बिग गाइड है, एक सीजीएल ज्ञान गुरु जी है, और भी काफी सारे चैनल हैं जो बहुत अच्छे हैं, और आपको सारा डिटेल मिल जाएगी, बहुत ज्यादा डेप्थ में और बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक पढ़ने से आपका काम चल जाएगा क्योंकि बेसिक चीजें आते हैं। अब बात करते हैं कि मैंने कैसे करी थी सीपीटी की तैयारी। देखो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि भाई ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, 1% भी पेड प्रमोशन नहीं है, जो एक्चुअल में मैंने किया मैं आपको वही सब सच बताने वाला हूं। मैंने जो अपनी सीपीटी की तैयारी करी थी, केडी कैंपस नाम का एक इंस्टीट्यूट है, नीतू सिंह मैम का, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं नीतू सिंह मैम की, उनका इंस्टीट्यूट है, मैंने वहां पर लगाए थे, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस थे, बहुत सस्ता कोर्स था सीपीटी का, मैंने वो लगाया था, और कमल सर थे वहां पे, कमल सर ने पढ़ाया था हमें सीपीटी का, बहुत थोड़ी सी क्लासेस में उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया था, मतलब मिनिमम टाइम में बहुत बढ़िया पढ़ा दिया था उन्होंने, तो वहां से मेरे ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। और आपको अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ, एग्जाम से एक दिन पहले, अब भाई देखो मतलब एग्जाम से एक दिन पहले ज्यादा दिमाग चलता है, और मेरे को कुछ ऐसे डाउट्स आ गए थे एग्जाम से एक दिन पहले, तो रात को लगभग 10 या 11 बजे मैंने नीतू मैम को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि मैम ऐसे ऐसे मैंने ये वाला कोर्स लिया हुआ, मैं आपके उस कोर्स का स्टूडेंट हूँ और ये डाउट्स हैं, तो प्लीज क्लियर कर दो। मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं नीतू मैम रिप्लाई करेंगी भी या नहीं करेंगी, लेकिन देखो मतलब इतनी बढ़िया उनका वो है, इतना बढ़िया उनका इंस्टीट्यूट है, वो चाहे तो नहीं भी करते रिप्लाई तो उनका क्या जाना था, लेकिन उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया, और विद इन 10 मिनट्स कमल सर का मेरे पास फोन आया,
कमल सर ने मेरे से लगभग लगभग एक घंटा फोन पर बात करी, पूरा डिस्कस किया, जो मेरे डाउट्स थे वो तो मुझे समझाया ही समझाया, उसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया कि ये गलतियां मत करियो, वो गलतियां मत करियो, मतलब उन्होंने छोटे भाई की तरह बहुत अच्छे तरीके से मेरे को समझाया सारा। अब आपको एक्सेल के बारे में बता दिया, पावर पॉइंट के बारे में बता दिया, टाइपिंग के बारे में बता दिया। और भाई ऐसा नहीं है कि सीपीटी में कोई फेल नहीं होता, कई बच्चे सीपीटी में फेल हो जाते हैं, वैसे तो बहुत बेसिक चीज है, अगर आप 10-15 दिन भी पढ़ लोगे तो फेल नहीं होगे, इजीली क्लियर हो जाएगा, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं और कई बच्चे फेल हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको अपनी ड्रीम पोस्ट नहीं मिल पाती। तो भाई देखो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि जो आपकी टाइपिंग जो स्पीड है ना ये बहुत ज्यादा नहीं है, आप कर लोगे इजीली, लेकिन एरर का ध्यान देना है। तो अगर जो आपको 15 मिनट मिलेंगे, अगर मान लो आपके 15 मिनट की जगह 12 मिनट में कंप्लीट हो जाता है तो सबमिट मत कर देना, बाकी के 3 मिनट पे अपना चेक कर लेना कि कहीं कोई गलती तो नहीं करी। ऐसे ही एक्सेल और पीपीटी, वो भी हो सकता है आपका टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगर टाइम से पहले कंप्लीट हो रहा है तो उसको अच्छे से चेक करना है, रीचेक करना है, बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सबका ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के बहुत छोटी चीज होगी और हो सकता है उस छोटी चीज की वजह से आपके 10 नंबर काट लिए जाएं। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखो आप इतने सारे लेवल क्लियर करके यहां तक पहुंचे हो तो ये एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी ड्रीम पोस्ट मत गवा देना। मैंने आपको बता दिया कि फ्री में पढ़ना चाहो तो भी कहां से पढ़ सकते हो, पेड कोर्स लेना चाहो तो भी कहां से कर सकते हो, लापरवाही मत करना, अच्छे से तैयारी करना। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि अगर इसमें आप फेल हो जाओगे तो आपका क्या होगा, तो भाई कमेंट कर देना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि जो लोग सीबीटी में फेल होते हैं उनका क्या होता है, भाई उन्हें कोई पोस्ट मिलती भी है नहीं मिलती, क्या होता है। और अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहते हो कि सीपीटी जब मेरा हुआ था 2018 बैच का तो वो कैसा पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या क्या हुआ, क्या सब हुआ, वो भी बता देना, कमेंट कर देना, मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। चलो भाई चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।